गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो नंबर 7 के अंतर्गत हम लोग सबऑर्डिनेट क्लास के अंतर्गत नाउन क्लास क्या होता है, नाउन क्लास को कैसे पहचानते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लास 3 तरह का होता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास उसको कहते हैं जो नाउन का काम करता है, यानी संज्ञा का काम। एडजेक्टिव क्लाज उसको कहते हैं जो एडजेक्टिव का काम करता है, और एडवर्ब क्लाज वह होता है जो क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब का काम करता है। यहां पर हम नाउन क्लाज की बात करेंगे। सबऑर्डिनेट नाउन क्लाज, संज्ञा उपवाक। यह उपवाक जो अपने जो नाउन की तरह काम करता है, यानी नाउन क्लाज उसको कहते हैं जो नाउन की भांति काम करता है। और आप जानते हैं कि नाउन प्रमुख रूप से 5 काम करता है। किसी सब्जेक्ट का, किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है, किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, किसी ने पोजिशन होता है, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर वही सारा काम यानी किसी क्रिया का कर्ता बन जाए, किसी का कर्म बन जाए, किसी का पूरक बन जाए, अथवा किसी प्रीपोजिशन का कर्म बन, या केसी ने पोजिशन के रूप में आया है, कोई उपवाक्य करता है, तो उसे नाउन क्लास की संज्ञा दी जाती है, उसे नाउन क्लास कहा जाता है। नाउन क्लास के 5 कार्य निम्नलिखित हैं, जिसे पहला दिया सब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी क्रिया के कर्ता के रूप में आया है। सब्जेक्ट टू ए वर्ब का मतलब किसी क्रिया के कर्ता के रूप में उसका प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए दैट यू विल से सो सरप्राइज्ड मी, कि तुम ऐसा कहोगे, यह बात मुझे चकित कर देती है। दैट यू विल से सो, कि तुम ऐसा कहोगे, यह बात मुझे चकित कर देती है। दूसरा व्हाट ही सेड, जो उसने कहा वाज ट्रू, सत्य था, यानी जो उसने कहा सत्य था। नंबर 3 When he will return the money is not certain, वह कब रुपया वापस करेगा यह निश्चित नहीं। ऊपर दिए गए वाक्य नंबर 1 में देखिए, यहां पर दैट यू विल से सो, कि तुम ऐसा कहोगे, दैट यू विल से सो, कि तुम ऐसा कहोगे, यह उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लाज है, कि तुम अपन ऐसा कहोगे, यह अपना अर्थ की पूर्णता और स्पष्टता के लिए दूसरे पर निर्भर है, यह अपना अर्थ खुद पूरा नहीं कर पाता। दैट यू विल से सो, यह अपना अर्थ खुद नहीं पूरा कर रहा है, यह अपने अर्थ की पूर्णता के लिए सरप्राइजेज मी, यानी यह बात मुझे आश्चर्य में डाल देती है, पराश्रित। यानी इस वाक्य में दैट यू विल से सो, यह उपवाक्य निर्भर है सरप्राइजेज मी के ऊपर, यानी यह बात मुझे आश्चर्य पर डाल देती है। अब यह दिया गया सबऑर्डिनेट क्लाज दैट यू विल से सो, यह जो सबऑर्डिनेट क्लाज है, वाक्य की प्रिंसिपल क्लाज, यह वाली जो क्लाज है कि क्रिया सरप्राइजेज के कर्ता के स्थान पर आया है, यानी अगर पूछा जाए कि सरप्राइजेज का कर्ता कौन है, तो यह दैट से लेकर सो तक यह पूरा एक उपवाक्य कर्ता के स्थान पर आया हुआ है। अतः यह नाउन क्लाज है ना, अतः यह नाउन क्लाज है, और इस प्रकार वाक्य इसीलिए इसको नाउन क्लाज कहते हैं, क्योंकि इस क्रिया के कर्ता के स्थान पर आया है, इसलिए इसको नाउन क्लाज कहेंगे। फिर समझिए, दैट यू विल से सो सरप्राइजेज मी, यह वाक्य 2 उपवाक्यों से बना है। एक उपवाक्य है दैट यू विल से सो, कि तुम ऐसा कहोगे, यह उपवाक्य अपना अर्थ खुद पूरा नहीं कर पा रहा है, यह अपने वाक्य के, यह अपने अर्थ को पूरा करने के लिए उपवाक्य, प्रिंसिपल उपवाक्य सरप्राइजेज मी, मैं दिस सरप्राइजेज मी, दिस छिपा हुआ है, दिस सरप्राइजेज मी के ऊपर, यानी जो प्रिंसिपल क्लाज है इसके ऊपर यह अपने अर्थ के लिए निर्भर है, इसलिए यह सबऑर्डिनेट क्लाज कहलाएगा।
यानी दैट यू विल से सो आश्रित उपवाक्य है। लेकिन चूंकि यह दैट यू विल से सो का स्थान जरा देखिए, यह सरप्राइजेस के कर्ता के स्थान पर आया है, क्योंकि नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे नाउन क्लॉज है। अब वाक्य नंबर दो पर आइए, व्हाट ही सेड वाज ट्रू, व्हाट ही सेड एक क्लॉज है और यह सबॉर्डिनेट क्लॉज है, जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए वाज ट्रू यानी दिस वाज ट्रू पर निर्भर है, दिस वाज ट्रू या इट वाज ट्रू प्रिंसिपल क्लॉज है। वाक्य नंबर दो, व्हाट ही सेड वाज ट्रू, दो उपवाक्य है, एक उपवाक्य है व्हाट ही सेड और दूसरा है दिस वाज ट्रू। व्हाट ही सेड अपना अर्थ पूरा नहीं कर पा रहा है, ये अपने अर्थ की पूर्णता और स्पष्टता के लिए प्रिंसिपल क्लॉज दिस वाज ट्रू या इट वाज ट्रू पर निर्भर है, इसलिए इसको कहेंगे सबॉर्डिनेट क्लॉज। और व्हाट ही सेड यह जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है, इस वाज क्रिया के कर्ता के स्थान पर आया है और कर्ता के स्थान पर नाउन आता है, क्योंकि यह उपवाक्य नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इस उपवाक्य को कहेंगे नाउन क्लॉज है। नंबर तीन, When he will return the money is not certain। इस वाक्य में when he will return the money, वह कब रुपया अदा करेगा, वापस करेगा, यह देख रहे सबॉर्डिनेट क्लॉज है, आश्रित उपवाक्य है, इसलिए है कि यह अपना अर्थ खुद पूरा नहीं कर पा रहा है, यह अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल उपवाक्य दिस इज नॉट सर्टेन या इट इज नॉट सर्टेन, इट छिपा हुआ है, इट इज नॉट सर्टेन जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके ऊपर निर्भर है, इसलिए इसको कहेंगे सबॉर्डिनेट क्लॉज। फिर सुनिए, यह उपवाक्य जो आया व्हेन ही विल रिटर्न द मनी, वह कब रुपया अदा करेगा, वापस करेगा, इज नॉट सर्टेन, यह वाक्य दो उपवाक्यों से बना है। एक उपवाक्य है व्हेन ही विल रिटर्न द मनी, यह सबॉर्डिनेट क्लॉज है, आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि यह अपना अर्थ स्वयं पूरा नहीं करता, यह अपनी अर्थ की स्पष्टता और पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लॉज इट इज नॉट सर्टेन पर निर्भर है, इसलिए इसको कहते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज और यह कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन अब चूंकि यह जो उपवाक्य आया है व्हेन ही विल रिटर्न द मनी, इज क्रिया के कर्ता के स्थान पर आया और कर्ता के स्थान पर नाउन आता है, इसलिए नाम पड़ जाएगा नाउन क्लॉज। और इन वाक्यों में देखिए, इस वाक्य में दिस सरप्राइजेज में, इस वाक्य में इट वाज ट्रू और इसमें इट इज नॉट सर्टेन प्रिंसिपल क्लॉज हुए, और इस वाक्य में दैट यू विल से, इस वाक्य में व्हाट ही सेड और इस वाक्य में हैन ही विल रिटर्न द मनी नाउन क्लॉज हुआ, इसलिए कि यह कर्ता के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। अब दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव वेयर क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव वेयर में एग्जाम्पल, सी सेड दैट सी वुड कुक फूड, सी से उसने कहा कि वह भोजन पकाएगी। नंबर दो, ही नोज हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह जानता है कि समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। वाक्य नंबर एक में यानी ही सेड दैट सी वुड कुक, यह वाक्य नंबर एक में दैट सी वुड कुक फूड कि वह खाना बनाएगी, यह उपवाक्य सबॉर्डिनेट क्लॉज है, दैट सी वुड कुक फूड कि वह खाना बनाएगी, यह सबॉर्डिनेट क्लॉज है, यह अपने अर्थ की पूर्णता के लिए सी सेड यह पर, सी सेड उसने कहा पर निर्भर है। अब यह सबॉर्डिनेट क्लॉज वाक्य के प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया सेड के लिए कर्म के स्थान पर आया है, इसलिए यह नाउन क्लॉज। अब जरा इसको दूसरी तरह से समझने का प्रयास कीजिए, ऑब्जेक्ट होता क्या है,
ऑब्जेक्ट जब कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी और नाउन पर पड़ता है तो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। पहचान करने के लिए मुख्य क्रिया में आप किसे, किसको और क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, उत्तर में जो मिलेगा वह ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, अब यहाँ इस वाक्य में आइए, सी सेड दैट सी वुड कुक फूड, उसने कहा कि वह भोजन पकाएगी। ठीक, इस वाक्य में प्रश्न किए उसने कहा तो उसने क्या कहा, अब क्या के उत्तर में आया दैट सी वुड कुक फूड। अब क्या के उत्तर में दैट सी वुड कुक फूड आ रहा है कि वह भोजन पकाएगी, इस ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया का ऑब्जेक्ट हुआ और ऑब्जेक्ट के स्थान पर चुकी आया है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है, इसलिए यह आश्रित उपवाक्य के वर्ग में नाउन क्लास संज्ञा उपवाक्य हुआ। यह है तो सबॉर्डिनेट क्लास लेकिन उसका जो प्रकार है वह नाउन क्लास हुआ। क्लियर, अब जरा आइए वाक्य नंबर दो पर, ही नोज हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, इस वाक्य में ही नोज जो है प्रिंसिपल क्लास है, वह जानता है। हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यह जो है एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है कि कैसे वह समस्या का समाधान कर सकता है, और हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम यह अपने अर्थ के लिए निर्भर है। ही नोज वह जानता है, ही नोज जो प्रिंसिपल क्लॉज है। अब यह है कि जरा प्रश्न करके देखिए, वह जानता है तो क्या जानता है और क्या के उत्तर में आएगा ही, हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह कैसे समस्या का समाधान कर सकता है, वह कैसे समस्या का समाधान कर सकता है, यह ऑब्जेक्ट हुआ इस नोज क्रिया का। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर चूंकि नाउन आता है इसलिए यहां कहेंगे कि यह नाउन क्लॉज हुआ। अब इसमें देखिए, इस वाक्य में ही सी सेड प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट सी वुड कुक फूड सबॉर्डिनेट क्लॉज का नाउन क्लॉज है, इसलिए कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है। वाक्य नंबर दो में ही नोज प्रिंसिपल क्लॉज है, हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम सबॉर्डिनेट क्लॉज में नाउन उपवाक्य यानी नाउन क्लॉज है। अब आइए ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, तीसरा का एग्जाम्पल, लिसन टू व्हाट आई से, सुनो जो मैं कहता हूं, आई डू नॉट बिलीव इन व्हाट ही से, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं जो वह कहता है। अब पहले वाक्य में देखिए, लिसन टू सुनो, यह क्या है प्रिंसिपल क्लॉज, सुनो प्रिंसिपल क्लॉज हो, व्हाट आई से जो मैं कहता हूं, यह उपवाक्य सबॉर्डिनेट क्लॉज है, जो मैं कहता हूं यह अपने अर्थ की पूर्णता के लिए लिसन टू पर निर्भर है। क्यों? अब चूंकि यह दिया गया सबॉर्डिनेट क्लॉज वाक्य के प्रिंसिपल क्लॉज के प्रीपोजिशन टू के कर्म के रूप में आया, यानी यह व्हाट आई से टू के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, और जब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन आता है इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा नाउन क्लॉज। अब वाक्य नंबर दो पर आए, आई डू नॉट बिलीव इन व्हाट ही सेज, इसमें व्हाट ही सेज वह जो कुछ कहता है यह उपवाक्य सबॉर्डिनेट क्लॉज है, इसलिए कि यह अपने अर्थ के लिए आई डू नॉट बिलीव नामक प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर है। और चूंकि सबॉर्डिनेट क्लॉज के वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज के प्रीपोजिशन इन पर का ऑब्जेक्ट के रूप में आया है इसलिए इसको कहेंगे नाउन क्लॉज, यानी इसमें आई डू नॉट बिलीव प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हाट ही सेज सबॉर्डिनेट क्लॉज है, आश्रित उपवाक्य है, और व्हाट ही सेज अपने अर्थ के लिए निर्भर है इस प्रिंसिपल क्लॉज पर आई डू नॉट बिलीव इन। और चूंकि व्हाट ही सेज इस प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है, यानी इन के द्वारा यह गवर्न है, इसलिए इसको कहेंगे नाउन क्लॉज है। यानी इस प्रकार से आपने यह देखा
कि इस वाक्य में क्रमशः लिसन टू प्रिंसिपल क्लॉज है, आई डू नॉट बिलीव इन प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हाट आई से नाउन क्लॉज है, व्हाट ही से नाउन क्लॉज है, या व्हाट आई से टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, व्हाट ही से इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और इस प्रकार से आपने यह देखा कि नाउन क्लॉज किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब बाकी दो काम जो बचे कॉम्प्लीमेंट का और किसी ने पोजिशन का, अगले वीडियो के अंतर्गत पूर्ण किए जाएंगे।